गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और आप देख रहे हो कि मैं ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ एवोकाडो सैंडविच। तो पहले ये बताओ कि आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, कमेंट करके बताओ। और यहाँ पे जैसे कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अभी गुएकामोले, एंड गुएकामोले के बाद मैं बनाऊंगी सैंडविच। तो ईजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाए तो क्या कहना, बहुत ही इजी है ये बनाना दोस्तों, और टाइम भी इसमें वेस्ट नहीं होता। और मेरे को लगता है कि ब्रेकफास्ट इजी बनाने से ये हो जाता है कि जल्दी तो बन ही जाता है, और दूसरी चीज़ की ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मुझे मेरे लिए टाइम मिल जाता है, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। अपने ऊपर टाइम देना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात, मिश्का सो रही है, और जब तक बच्चे सोते रहते हैं ना, तो मॉम के लिए इसे बेस्ट क्या हो सकता है। आप भी मेरे से रिलेट करोगे कि बच्चे सोते हैं, अगर आपका काम बच्चे के सोने उठने से पहले तक कंप्लीट हो जाए तो क्या कहना, आप अपने ऊपर भी ध्यान दे सकते हो, है ना। एवोकाडो अविनाश को डायरेक्ट खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं तो फिर भी खा लेती हूँ हेल्दी के नाम से, लेकिन मुझे उसे तो टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट इतना वो हेल्दी होता है ना, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि गुएकामोले बना लेती हूँ और इस तरीके से ब्रेड के बीच में स्प्रेड कर देती हूँ, तो उसे भी अच्छा लगता है और मुझे तो वैसे भी अच्छा लगता है हेल्दी खाना, तो हम दोनों ही मन बहुत ही खुशी खुशी खा लेते हैं ब्रेकफास्ट। और ये ब्रेकफास्ट यहाँ पे रेडी हो गया, और ब्रेकफास्ट सैंडविच के साथ मैंने बादाम भी ले लिया है, कि चलो सुबह सुबह जितना हेल्दी खा लो उतना सही रहता है। ब्रेकफास्ट बनाने के साथ साथ मैं यहाँ पर मिश्का का भी फूड रेडी कर रही हूँ। क्या करूँ, मॉम लोगों को मल्टीटास्किंग काम करना ही पड़ता है, अदरवाइज पूरे टाइम तो किचन में ही चला जाएगा अगर ऐसा नहीं करूँगी तो। यहाँ पे मैं एप्पल बॉयल कर रही हूँ मिश्का के लिए, और मिल्क भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं मिल्क और एप्पल मैश करके देती हूँ, वो बड़े मन से आजकल खा ले रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये होल मिल्क ऑर्गेनिक वाला मैं लेकर आई हूँ मिश्का के लिए स्पेशली, ये मिल्क वो मिश्का को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अविनाश को ब्रेकफास्ट दे दिया था, अब यहाँ मैं अपने लिए सैंडविच रेडी कर रही थी, और साथ ही साथ मैं ये कोशिश कर रही थी कि जितना मैं किचन क्लीन कर लूँ आसपास एरिया, क्योंकि काम करते करते ना आप किचन में सारी चीज़ें साफ भी करते जाते हो ना, तो ये आपके लिए इतना इजी हो जाता है, लिटरली ट्रस्ट करो, आप ऐसा करके देखना। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि जब किचन में काम करती हूँ, कटिंग करती हूँ, चॉपिंग करती हूँ, कुछ भी चीज़ें उसके जो पील्स निकलते हैं वो मैं डायरेक्ट उसको फेंकते जाती हूँ डस्टबिन में, तो इससे क्या होता है किचन भी क्लीन होता जाता है, के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, यस काम खत्म हो गया, और मिश्का अभी सो रही है, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि जब तक वो सो रही है तब तक 10-15 मिनट का वॉक कर लेती हूँ जस्ट फॉर फ्रेश एयर बाहर जाके, क्योंकि विंटर में ऐसे ही मेरा हमारा बाहर जाना तो बिल्कुल बंद ही हो जाता है, और जब से बेबी हुई है तब से तो हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं बाहर जाना, एंड कोरोना के भी केसेस इतने ज़्यादा राइज हो रहे हैं तो इसकी वजह से भी, और ठंड भी एक है ऑफकोर्स, इतनी ठंड में निकालना बेबी को सही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो सो रही है तब तक मैं बाहर से 15 मिनट का वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी -8 डिग्री में मेरी हिम्मत नहीं होगी उससे ज़्यादा वॉक करने की, तो जा रही हूँ थोड़ा फ्रेश एयर लेती हूँ बाहर जाके, मन भी अच्छा लगेगा, मूड थोड़ा चेंज हो जाएगा। बाहर जाने से पहले मुझे पहनना होगा जैकेट, ग्लव्स, सब कुछ। और मैं अब बाहर जा रही हूँ, टन 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 टन, और मम्मी 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 मम्मी, अरे खुलना अभी, अरे ये मैंने बंद कर दिया क्या, मैंने अब ओह गॉड, अरे यार, अरे यार ये पूरा जम गया है बर्फ की वजह से, शिट, ठंड की वजह से जम गया, ओह माय गॉड। जनरली 5-6 मिनट का काम होता है, तो ग्राउंड फ्लोर पर रहने का ये फ़ायदा है कि हम लोग यहीं से निकल आते हैं अब डायरेक्ट बालकनी वाले रास्ते से, बट बाहर निकल के मैं देख रही हूँ कि ओह गॉड, ये जो स्नो, ये पूरा आइस जम चुका है, ये देखो ये पूरा आइस हो चुका है, ओह गॉड, ओह माय गॉड, कितना पत्थर जैसा हो गया, शिट, देख रहे हो आवाज़ कैसी आ रही है, ये पूरा, ये बहुत ही डेंजरस होता है, ये स्लिपरी हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया, ओह गॉड, बहुत ध्यान से चलना होगा मुझे। आप देख रहे हो धूप की वजह से कैसे शाइन भी कर रहा है, बिल्कुल धूप इतनी भी तेज़ नहीं है कि ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि इसको टाइम लगेगा थोड़ा मेल्ट होने में, फिर धीरे धीरे क्या सॉलिड होता जा रहा है, आइस बनता जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि
एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं और होते भी हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। अगर आप गूगल पे जाके चेक करोगे ना तो आपको वहाँ दिखेगा कि इतने सारे केसेस आते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं ना वो स्किड करने लगती है स्लिप के, क्योंकि इतना स्लिपरी हो जाता है ना तो गाड़ियाँ भी स्किड करने लगती है, उसकी वजह से कितनी जाने जाती हैं। ओ माय गॉड, इस आइस की वजह से सोचो, स्नो जब गिरता है देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ओ वाव कितना अच्छा लग रहा है, बट ये इतना डेंजरस है ना, इतना डेंजरस है, कितनी बार तो लोग स्लिप कर जाते हैं अगर ध्यान नहीं दे, चलने वलने में भी, अगर पैदल भी चल रहे हैं ना तो स्लिप, इतना स्लिपरी हो जाता है कि बहुत ध्यान से चलना पड़ता है दोस्तों, बहुत ध्यान से। और अगर आप ध्यान से नहीं चलो ना इसके ऊपर तो इतनी जोर से गिरोगे ना, इतनी भयंकर वाली चोट लगेगी। ओ गॉड, मेरे साथ हो चुका है एक्चुअली, बहुत भयंकर वाली चोट लगी थी मेरे को जब मैं लास्ट ईयर की बात है। और ये देखो मैंने जो हाथ में उठाया, देखो कितना सॉलिड हो चुका है, आप देख रहे हो कितना सॉलिड हो गया है, बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह लगता है। ये पेड़ इसे पूरा कवर हो गया आइस से। बाहर है -8 डिग्री वाली ठंड और आप सोच रहे होंगे कि हम, मैं बिना स्वेटर जैकेट के कितने मजे से आपसे क्यों बात कर रही हूँ और कैसे बात कर ले रही हूँ, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसका रीजन ये है सेंट्रलाइज्ड, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है सेंट्रलाइज्ड यहाँ पर हीटर जो पूरे घर में लगा हुआ है। इनफैक्ट यहाँ के अपार्टमेंट्स में हर जगह ये दिया रहता है, जिससे कि घर में आप आराम से बिना जैकेट के घूम सकते हो और बिना स्वेटर के बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी आपको। और दूसरी चीज एक और बताऊं तो इसको आप यहाँ पे, ये टेम्परेचर कंट्रोल है तो आप टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर सकते हो। इनफैक्ट ये अप डाउन अपने हिसाब से जैसा आपको करना है टेम्परेचर सेट कर सकते हो, तो ये एक अच्छी चीज है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हमें ठंड नहीं लगती है घर के अंदर। और यहाँ पे इनफैक्ट सारे अपार्टमेंट्स में दिया होता है, इंडिविजुअल हाउसेज में भी हीटर की फैसिलिटी नहीं दी होती, बट वो लोग, क्योंकि इंडिविजुअल हाउस में आपको खुद से इंतजाम करना पड़ता है हीटर का, बट वो लोग भी अपना सेट करके ही रहते हैं, क्योंकि बिना इसके तो कुल्फी जम जाएगी और हालत खराब हो जाएगी इतनी ठंड में। वो भी मैं बनाने वाली सब्जी मैंने यहाँ बना दी है और राइस भी रेडी कर दिया, तो राइस एंड भंडारे वाली सब्जी का कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगता है हमें घर पे। और ये सब्जी बन गई और मिश्का की आवाज आने लगी, ओ गॉड मिश्का रो रही है, एक बार मैं देख के आती। कैसा लग रहा है ये फूल, कैसा ले रही हो, किचन में जा भी स्माइल कर दो, आपका चोटी कर देंगे ऐसे, ठीक है, बाल बड़े बड़े हो गए आपको ऐसे ऐसे चोटी बना देंगे आपको। मम्मा ने आपके लिए यम्मी यम्मी लंच रेडी किया है। और मेरा लंच, ब्रेकफास्ट, मिश्का का मालिश एंड बाथ, हम मेरा बाथ सब कुछ डन हो गया और मैं अब सब काम कंप्लीट करने के बाद लग चुकी हूँ अपने नेक्स्ट काम में, एडिटिंग में। तो अब बस जल्दी से मैं ये एडिटिंग करती हूँ, तभी तो आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा। और आप जाके तब तक मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, समझा करो प्लीज। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना और कॉमेंट करना मत भूलना एंड बेल आइकन भी क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू, ये सब कुछ फ्री में है, आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं पे करना है। ओके, जल्दी से मैं एडिटिंग करती हूँ, बाय बाय।